आज हम बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के रासायनिक गुणों के बारे में। इसमें हम देखेंगे कार्बोनिल समूह के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को देख रहे हैं और ये हमारी आज चौथी वीडियो है और ये अंतिम वीडियो है। इसमें आपको क्या होगा, आज हम रासायनिक गुणों को कम्प्लीट कर लेंगे। आपका बात करते हैं अम्ल हैलाइड से आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक अभिक्रिया करेगा क्या उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो पहला उत्पाद प्राप्त होगा वो पहला उत्पाद क्या प्राप्त होगा आपका, वो है आपका कीटोन प्राप्त होता है। क्या उत्पाद प्राप्त होता है आपका, कीटोन उत्पाद प्राप्त होता है। दूसरा उत्पाद क्या प्राप्त होता है, दूसरा उत्पाद होता है आपका तृतीयक एल्कोहल। क्या होता है आपका, तृतीयक एल्कोहल होता है आपका। क्या होगा आपका, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होगा आपका। सबसे पहले देखें कीटोन किस प्रकार बनेगा, फिर देखेंगे हम तृतीयक एल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त होता है। अगर हम बात करेंगे अम्ल हैलाइड है क्या आपका, तो देखते हैं अगर आर सी ओ ओ एच देखिए हमारा है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH भाग को यानी हाइड्रोक्साइड भाग को जब हैलोजन द्वारा, किसके द्वारा आपका, हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाए, यानी हैलोजन यहां जुड़ेगा OH क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा, तो क्या बन प्राप्त होगा, आर सी ओ एक्स। ये क्या कहलाता है आपका, अम्ल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, अम्ल हैलाइड कहलाता है। तो अम्ल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराना आपका, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक साथ कराते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा आपका, कीटोन प्राप्त होगा। देखते कैसे प्राप्त होता है आपका, पहले देखिएगा गौर से। अगर हम ये कह रहे हैं आपका अम्ल हैलाइड का क्या सूत्र बताया हमने आपका, आर सी ओ एक्स अम्ल हैलाइड है आपका। लिखेंगे कैसे इसको, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का सूत्र क्या होता है आपका, आर एम जी एक्स। ये क्या है आपका, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। क्रिया कब होती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। क्या होगा आपका, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया आपकी संपन्न कराई जाती है। आपके होगा क्या, आप देखोगे यहां से क्या होगा आपका, बॉन्ड टूटता है Mg टूटेगा, यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। R कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ से देखें इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे आपका, ऑक्सीजन पे क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे एल्किल समूह है यानी R जो एल्किल समूह है किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन साथ जुड़ जाता है आपका। और यहाँ पे मैग्नीशियम जो पॉजिटिव पार्ट चार्ज वाला कंपाउंड है इसके साथ जुड़ेगा आपका, वो नेगेटिव साथ जुड़ेगा आपका। इस प्रकार से बनेगा क्या आपका, यहां से इस प्रकार से एक माध्यमिक यौगिक बनता है। कौन सा माध्यमिक यौगिक बनेगा आपका, आर सी के साथ एक आपका और जुड़ा क्या, आर यहाँ क्या हमारा एक्स है, आगे क्या आएगा आपका ओ, इसके साथ क्या जुड़ा, ओ के साथ एम जी एक्स जुड़ गया। ओ के साथ क्या जुड़ा आपका, एम जी और एक्स जुड़ गया। ये माध्यमिक यौगिक है, स्टेप वन कंप्लीट हो गया आपका। स्टेप सेकंड में क्या होगा आपका, स्टेप सेकंड में आपका क्या होगा, ये इसी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का क्या कराएंगे आपका, अम्ल द्वारा जल अपघटन करा देते हैं। तो देखते हैं कैसा होगा आपका, R C R X O M G X, इसका आप क्या कराएंगे, अम्ल द्वारा जल अपघटन कराएंगे। H O H के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होगा, किसके उपस्थिति में होगा, अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराएंगे। अगर हम यहां से देखें यहां से क्या ब्रेक हो सकता है आपका, एच ओ एच में किसमें टूटेगा, एच पॉजिटिव टूट जाएगा, ओ एच क्या होगा आपका, नेगेटिव पार्टिकल में टूटता है। उसी प्रकार हम देखेंगे अगर ओ को और मैग्नीशियम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहां से क्या होगा आपका, मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। उसी प्रकार से अगर इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे तो हैलोजन पे क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है, और कार्बन पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्या होगा, जो एच है ये एक्स में यानी हैलोजन नेगेटिव साइड चला जाएगा आपका, हाइड्रोक्साइड आयन जो नेगेटिव है ये किसके साथ जाएगा आपका, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन के साथ चला जाएगा आपका। तो यहां से बनेगा क्या आपका, यहां से जो कंपाउंड बन जाएगा आपका क्या, आर आर देखिएगा सी पे क्या है आपका, पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है आपका, नेगेटिव। क्या है हमारा, कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे क्या है आपका, नेगेटिव है। ये कैसा है आपका, एक स्थाई कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है, जो आगे क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, अपने आप में इंटरचेंज करता है, और इंटरचेंज पे क्या बना लेगा आपका, यहां से देखिएगा आर आर सी के साथ क्या आ जाएगा आपका, सी के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, कीटोन प्राप्त हो गया आपका। और यहां से निकला क्या आपका, यहां से एक निकला आपका एम जी ओ एच एक्स, और दूसरा क्या निकल जाएगा आपका, एच एक्स। ये दो चीजें आपकी निकल गई, मेन प्रोडक्ट क्या बने आपका, कीटोन प्राप्त हो गया आपका। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल हैलाइड का अगर एक अणु लेते हैं और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के एक अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपका, कीटोन प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं आपका, जैसे हमने कहा आपका क्या, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, एसिल हैलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं आपका, एसिल हैलाइड लेते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, एसिल हैलाइड आपका सी एस थ्री सी सी एल डबल बॉन्ड ओ,
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, CH3COCl एसिड हैलाइड है आपका। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे आपका, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं आपका, CH3MgBr, इसका नाम क्या है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। या मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराइए या मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराइए, सबके साथ सेम उत्पाद प्राप्त होगा, यानी क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा आपका। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है आपकी, और क्या बनेगा आपका, सेम बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव होगा और मैथिल समूह क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आता है आपका, नेगेटिव आएगा आपका, कार्बन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाता है। जो आपका CH3 पे जो नेगेटिव आया है वो क्या होगा आपका, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ मैग्नीशियम किससे शिफ्ट होगा आपका, इस ऑक्सीजन के परमाणु पर क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपको प्राप्त क्या होता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या मिलेगा आपका, एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त हो जाता है। देखिएगा Cl यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एक आपका CH3 और आ गया इसके पास, और यहाँ क्या हुआ आपका, ओ एम जी, और यहाँ पे क्या है आपका, Br, ये बना आपका माध्यमिक यौगिक। इस माध्यमिक यौगिक क्या क्या करना आपको दोस्तों, इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे आपका, जल अपघटन कराएंगे। देखिएगा CH3 Cl O Mg Br, इसका क्या कराना हमें, जल अपघटन कराना है। जैसा अभी हमने आपको बताया, तो इस प्रकार से क्या कराना हमें, इसका जल अपघटन कराना है। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन OH पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन क्या आता है आपका, पॉजिटिव आता है। उसी प्रकार से अगर हम इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। इस प्रकार से यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, क्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आता है। तो सीधे सिंपल से तरीका क्या है, जो हमारा H पॉजिटिव है वो किसके साथ जाएगा, इस नेगेटिव साथ चला जाता है, OH नेगेटिव इस मैग्नीशियम पॉजिटिव साथ चला जाएगा। तो निकलेगा क्या यहाँ से आपका, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा आपका, MgOHBr, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड कह सकते हैं इसको। और क्या निकलेगा आपका, यहाँ से एच और क्या Cl, क्या निकल जाएगा आपका, HCl निकल जाएगा। बनेगा क्या आपका, देखिएगा ध्यान से, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH3 C के साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है, ये कीटोन, जो क्या है, कीटोन का पहला सदस्य, इसका नाम क्या है, एसीटोन है। तो यहां हम कह सकते हैं एग्जाम्पल पर्पज से आपका क्या, एसिल हैलाइड की अभिक्रिया जब भी किसके साथ कराई जाएगी आपकी, ग्रेनाइट अपक्रमक के साथ कराते हैं, हमारा क्या होगा, एसीटोन प्राप्त होगा। यह एक तरीके से क्या, एसीटोन बनाने की विधि भी है आपका। अगर दूसरी बात करते हैं कि हम तृतीयक अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे आपका, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। उसमें भी क्या करना है, जो आपका अम्ल हैलाइड है, अम्ल हैलाइड की ही साथ अभिक्रिया होती है किसकी, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे अम्ल हैलाइड का एक अणु रहेगा, जबकि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के कितने अणु भाग लेंगे आपके, दो अणु अभिक्रिया करेंगे, तब जाके आपका क्या प्राप्त होगा आपका, एक माध्यमिक यौगिक मिलता है, जिससे क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, और क्या प्राप्त होगा आपका, तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए उसको भी देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं आपका। देखिए अम्ल हैलाइड का सूत्र क्या होता है आपका, अभी बताया आपको क्या होगा, RCX डबल बॉन्ड O, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे आपका, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, RMgX, ये क्या हमारा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है आपका। इसके साथ जब भी क्रिया कराएंगे क्या प्राप्त होता है हमें, ऐसे एक आपका ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है, और प्राप्त क्या होगा आपका, एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा। किस प्रकार से प्राप्त होगा आप देखेंगे, अगर हम इसको यहां ब्रेक करेंगे तो एल्केन समूह क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम पे क्या आता है आपका, पॉजिटिव आता है। उसी प्रकार से हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा आपका, जबकि कार्बन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस बॉन्ड को हम कहां ब्रेक ले जाएंगे आपका, एल्केन समूह कार्बन पे चला जाएगा, और मैग्नीशियम कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा आपका। इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा आपका, एक माध्यमिक यौगिक मिलेगा, कौन सा मिलेगा, आर, इसके पास क्या आ गया आपका, एक आर और आ गया एल्केन समूह, आर यहाँ पे क्या हमारा एक्स है, इसके साथ क्या है कार्बन, ऑक्सीजन साथ क्या आ जाएगा आपका, एम जी और एक्स आ जाएगा। तो ये क्या बना आपका, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना आपका, जिससे हम क्या करेंगे आपका, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे यहां से क्या आपका, ये जो बना है आपका माध्यमिक यौगिक, इसका जल अपघटन करा के क्या प्राप्त करेंगे, पहले कीटोन प्राप्त करेंगे। कैसे, देखिए आपका आर आर सी के साथ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर एक्स था, ओ एम जी और क्या हमारा एक्स है, इसका जल अपघटन कराएंगे, यानी जल के साथ क्रिया करा सकते हैं, अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे आपका। तो क्या होगा आपका, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH पे नेगेटिव, H पे क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस पे क्या आएगा आपका,
पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करेंगे तो कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, हैलोजन में क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। और हम बॉन्ड को क्या कैसे जोड़ेंगे, एच पॉजिटिव को हैलोजन नेगेटिव साथ में, ओएच नेगेटिव को मैग्नीशियम पॉजिटिव साथ में जोड़ देंगे आपका। तो यहां से बनेगा क्या आपका, अभी आपको बता क्या रहा है, इससे क्या बन जाएगा आपका कीटोन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा आपका कीटोन प्राप्त हो जाता है आपका, ये कीटोन मिल गया आपका। और निकला क्या आपका एक Mg के साथ OH और क्या निकला X निकल गया, और साथ में क्या निकला आपका H और X निकल गया, क्या निकला आपका HX निकल गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे आपका थर्ड स्टेप देखिए क्या होगा आपका, थर्ड स्टेप में हम जो हमारा कीटोन प्राप्त हुआ है या पुनः क्या करेगा आपका किसके साथ क्रिया कर लेगा आपका, फिर ग्रिग्नार्ड वर्मा के साथ क्रिया करेगा। कैसे करेगा देखिएगा, आर आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे आर एम जी और एक्स के साथ, यानी एल्किल ग्रिग्नार्ड वर्मा के साथ कराएंगे। तो यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा क्या होगा आपका, एल्किल समूह पे क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा, मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। इस बॉन्ड को हम यहां से ब्रेक करेंगे क्या देखेंगे आपका, ओ पे क्या था आपका निगेटिव आएगा, जबकि कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा आपका। तो यहां से हमारा जो R एल्किल समूह किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और ये मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ेगा आपका ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ेगा। किसके उपस्थिति क्रिया होती है आपकी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की, सॉरी ईथर की उपस्थिति में होगा, किसके उपस्थिति होंगे आपकी ईथर की उपस्थिति में क्रिया संपन्न कराई जाती है। तो प्राप्त क्या होगा देखिएगा आपके यहां से मिल जाएगा आपका आर आर, इसके साथ एक आर आपका क्या हुआ और एड हो गया आर, आगे क्या होगा ओ एम जी और एक्स, तो ये क्या बना आपका एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ। इस माध्यमिक यौगिक का क्या कराएंगे हम लोग पुनः जल अपघटन करा देंगे, क्या कराएंगे आपका हम यहां लिख देते हैं देखिए ध्यान से, इसका क्या कराएंगे आपका जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे हम लोग जल अपघटन कराएंगे। फोर्थ स्टेप देखिएगा इसका आपका, फोर्थ स्टेप पे क्या होगा आपका जब जल अपघटन कराएंगे क्या होगा आपका आर सी आर आर ओ एम जी और एक्स जल अपघटन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे अम्लिक उपस्थिति में यानी H प्लस आयन की उपस्थिति में क्या कराएंगे इसका जल अपघटन कराते हैं। तो बॉन्ड कहां ब्रेक होगा, अगर हम यहां से ब्रेक करेंगे तो OH पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आता है आपका, जबकि H पे क्या आएगा हमारा पॉजिटिव आता है। उसी प्रकार से हम बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आता है, क्या आता है आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। और हमारा एच पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा इस ओ के नेगेटिव साथ जुड़ेगा आपका, जबकि OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा इस मैग्नीशियम पॉजिटिव साथ जुड़ता है आपका। तो यहां से बना क्या आपका ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या बनेगा आपका आर आर के साथ क्या रहेगा आपका कार्बन एक आर और एक क्या रहेगा कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ गया ओ के साथ क्या आया हमारा एच आया, तो ये क्या बन गया आपका तृतीय अल्कोहल प्राप्त हो गया। और साथ में क्या निकलेगा आपका एम जी ओ एच एक्स, क्या निकल जाएगा आपका एम जी ओ एच और एक्स, इस प्रकार से आपका यह क्या प्राप्त होगा सह उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप दोस्तों देखेंगे आप कि हमने पहले बनाया क्या कीटोन प्राप्त किया, जबकि दूसरे स्टेप में क्या देखा हमने कि तृतीय अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कैसे अभिक्रिया करता है, जो अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत बार पेपर में आई हुई है आपकी, और आगे आने की संभावना क्या है बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग कैसे लिख सकते हैं आपका, तो हम लिख सकते हैं क्या कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड संरचना सूत्र है आपका, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसकी क्रिया कराते किसके साथ में ग्रिग्नार्ड अपकर्मक साथ यानी आर एम जी एक्स साथ क्रिएशन कराएंगे आपका, तो क्या देखेंगे कि हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा सेम यहां से आपका अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो एल के समूह क्या था आपका नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा क्योंकि मैग्नीशियम क्या हमारे एक मेटल है, तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है किसके पास एल के समूह के पास में, ठीक है। अगर हम कहेंगे इस बॉन्ड को हम एक ब्रेक करते हैं यहां से, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑप्शन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, जबकि हमारा कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये एल के समूह नेगेटिव वाला पार्ट किससे जाएगा इस पॉजिटिव साथ जुड़ेगा, जबकि ये मैग्नीशियम वाला पार्ट किससे जुड़ेगा इस आपका तो नेगेटिव साथ जुड़ेगा आपका। यह क्रिया होती किसकी उपस्थिति में आपका ईथर की उपस्थिति में, क्रिया कैसी क्या रह जाती है आपकी संपन्न कराई जाती है आपकी। तो पहले बनेगा क्या आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से आपका सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या हमारा जोड़ा एल के समूह जोड़ा, और यहाँ क्या ओ के साथ एम जी एक्स जुड़ गया, ओ के साथ क्या जोड़ा आपका एम जी और एस इसके साथ जोड़ा गया आपका। तो ये क्या आपका एक माध्यमिक यौगिक था आपका, फर्स्ट स्टेप ये हुआ आपका। अगर सेकेंड स्टेप में क्या करा इसका हम जल अपघटन कराते हैं आपका, कैसे कराएंगे आपका सेकेंड स्टेप में जल अपघटन देखते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन एल के समूह ओ एम जी और एक्स, इसका क्या कराना हमें जल अपघटन कराना है, यानी एच ओ एच के साथ क्रिया कराना है। अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होती है, किसकी उपस्थिति में होगी आपकी अम्ल की उपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा। अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो OH पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आता है, H पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आता है,
अगर इस बॉन्ड को हम यहां से ब्रेक करेंगे तो क्या देखेंगे आपका, यहाँ क्या आएगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो जी आपका एच कहाँ जाएगा, इस ओ के नेगेटिव साथ में, ओ एच कहाँ जाएगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव साथ जाएगा। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, आर के साथ क्या था आपका, आर के साथ कार्बन है, कार्बन लिख दिया, इसके साथ एक क्या जुड़ा आपका, ऑक्सीजन जुड़ा है ऑलरेडी, एक ऑक्सीजन साथ क्या जुड़ जाएगा, एच जुड़ जाएगा। तो ये क्या आएंगे आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, और साथ में निकला क्या इसके आपका, एम जी के साथ क्या जुड़ेगा, ओ एच, और एक्स आपका इसके साथ निकल गया। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया आपका। अब इसके स्थान पर हम एसिटिक एसिड बनाते हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे, आर के स्थान पे क्या रख देंगे आपका, आर के इक्वल में सी एच थ्री रख सकते हैं, और हेलोजन के स्थान पे क्या रख सकते हैं आपका, हेलोजन के स्थान पे मान लीजिए हमने बी सी आर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, हम देखते हैं साइनाइड के साथ किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड का अभिक्रिया करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो आपका अगर देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड जब भी रिएक्शन करेगा क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। जबकि आपका एल्केल साइनाइड जब भी क्रिया करेगा क्या बनेगा आपका, यहाँ से कीटोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा आपका, कीटोन का फॉर्मेशन होता है आपका। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड आपका ग्रिग्नार्ड उपक्रमक साथ कैसे अभिक्रिया करता है, देखते हैं आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका। हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र क्या होता है आपका, HCN होता है, इसको लिख कैसे सकते हैं आपका, एच सी डबल ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनेगा आपका। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, R, Mg और X के साथ इसकी क्रिया करा देंगे, किसके साथ क्रिया करा देंगे आपका, इसके साथ क्रिया कराएंगे आपका। देखते हैं क्या होगा आपका, यहाँ से आपका ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी आपकी, किसके साथ, ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो इस बॉन्ड को हम यहाँ से अगर ब्रेक करेंगे तो क्या देखेंगे आपका, इस पर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आता है, इस पर क्या आएगा आपका, नेगेटिव आता है। इसी प्रकार से अगर इस बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या देखेंगे आपका, ये नाइट्रोजन अधिक ऋण होती है, जिसपे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आता है, कार्बन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा आपका। तो आपका जो एल्केल समूह नेगेटिव है जी किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन पॉजिटिव के साथ चला जाता है आपका। मैग्नीशियम किसके साथ जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा आपका। तो यहाँ से बनेगा क्या आपका, यहाँ से ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, एच सी के साथ क्या हमारा आया, एल्केल समूह आ गया, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया था, डबल बॉन्ड एन, आगे क्या आएगा आपका, एम जी, और क्या आया आपका, एक्स आ गया। ये क्या बन गया आपका, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ आपका। देखते हैं दूसरे स्टेप में क्या होता है आपका, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जो आपका ये क्या बना आपका, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, इसका जल अपघटन कराना है। देखिए क्या, एच सी आर डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एम जी एक्स, इसका क्या कराएंगे, अम्ल द्वारा जल अपघटन कराते हैं, आपका क्या एच और ओ एच का अपघटन कराएंगे, अम्ल को उपस्थिति में अपघटन कराते हैं। हमारा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा आपका, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा आपका, H पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। अब बॉन्ड को हमको यहाँ से ब्रेक करना है, तो नाइट्रोजन अधिक ऋण होती है, इस पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा आपका। अब इस बॉन्ड को यानी हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा आपका, इस पर जाएगा आपका, और OH किससे साथ चला जाएगा, मैग्नीशियम धातु साथ चला जाएगा। तो निकल क्या जाएगा आपका, एक निकलेगा एम जी, और क्या बना आपका, ओ एच और X, ये आपका सेल उत्पाद रूप में प्राप्त हो गया आपका। यहां से क्या मिलेगा आपका, R C H N और H, ठीक है। ये इसका पुनः क्या कराएंगे आपका, जल अपघटन कराते हैं, यानी H2O के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। तो आप क्या देखोगे, जब H2O के साथ इसकी पुनः क्रिया होती है तो यहां से क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, क्या निकलेगा आपका, अमोनिया निकल जाएगा, और यहाँ क्या होगा आपका, OH वो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, आर सी एच ओ, क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड। इस प्रकार से आपके यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है आपका। ये इसी की क्रिया किससे कराएंगे आपका, एल्केल साइनाइड साथ जब कराया जाता है तब क्या प्राप्त होगा आपका, कीटोन साथ प्राप्त होगा। देखते हैं ध्यान से कैसे, ये हमारा क्या हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड के हाइड्रोजन को जब भी विस्थापित किया जाएगा किसके द्वारा, एल्केल समूह द्वारा विस्थापित किया जाएगा, क्या प्राप्त होगा आपका, एल्केल साइनाइड प्राप्त होगा। सेम आपका मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड उपक्रमक क्रिया करेगा तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये आपका सेल उत्पाद प्राप्त होगा। इस सेल उत्पाद की क्रिया फिर क्या होगा आपका, जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जिसका पुनः अपघटन कराएंगे तो यहां से उत्पाद चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, आर आर सी सिंगल बॉन्ड इन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन जाएगा आपका। तो ये क्या हमारा है आपका, कीटोन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लिया, एल्केल साइनाइड किसके साथ क्रिया करेगा, ग्रिग्नार्ड उपक्रमक के साथ क्रिया करेगा। एल्केल समूह को तोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम पे क्या आता है आपका, पॉजिटिव आता है। उस प्रकार से अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अधिक ऋण होती है तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा आपका, और
यहाँ से क्या जो एल के समूह है वह कार्बन से जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाता है आपका, और ईथर को पसंद जब क्रिया कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा आपका। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या कराएंगे हम लोग, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। जब अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा आपका, एक पुनः माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। इस माध्यमिक यौगिक का पुनः जल के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका क्या, हम एल्केल साइनाइड की ग्रेनाइट अपक्रमक साथ क्रिया करा करके क्या प्राप्त कर लेते हैं, कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।